हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने शेयर किया था कि किन किन परमानेंट प्लांट की कटिंग हम फेब में लगा सकते हैं। ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों से कुछ और कटिंग्स शेयर करूंगी। तो शुरू में मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथ ही ये एक ऐसे प्लांट है जिन्हें आप 8-10 दिन पानी नहीं देते हैं तो भी ये प्लांट मरते नहीं हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कटिंग्स भी मैं शेयर करूंगी जिन्हें अभी लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सभी के पसंदीदा प्लांट यानी मनी प्लांट से, जो हर घर में पाया जाता है, जो आसानी से हर कहीं मिल जाता है। आजकल पोथोज में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आने लगी है और ये कटिंग से काफ़ी आसानी से लग जाता है। इनमें इस तरीके से एरियल रूट्स निकली रहती है। तो आप बस इनका इतना सा पीस ले लेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा भी आप इनका ले लेंगे तो ये कटिंग से लग जाता है। और ये प्लांट बेल की तरह जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खूबसूरत ये हैंगिंग में भी लगता है। तो आप अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ का टाइम है। नेक्स्ट प्लांट है ये सीडम का। तो आप ये जो सीडम देख रहे हैं इसमें मैं वाटरिंग बहुत कम करती हूँ, इसलिए ये आपको बहुत छोटे साइज़ के दिख रहे होंगे। तो बस आप इनका इतना छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, बिल्कुल छोटा सा पीस ले लेंगे और इसे आप सॉइल के ऊपर बस ऐसे ही रख देंगे तो भी ये लग जाता है। और इसे आप 10 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो भी ये चल जाता है। अब देखिए, इसी का छोटा सा पीस इस पॉट में गिर गया होगा तो आप इसे देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है, कितना ये ग्रीन है और ये थोड़ा लंबा भी आपको दिख रहा होगा। और देखते ही देखते इसने सारे पॉट को कवर कर लिया है। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है ये बेबी सनरोज का प्लांट। बेबी सनरोज का प्लांट, आप इनकी लीव्स देखिए कितनी ज़्यादा फ्लैसी शाइनी होती है। इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ये इस तरीके से हैंग करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इनकी आप छोटी सी कटिंग लेकर भी लगा देंगे, बस इतनी सी बड़ी कटिंग लेके आप इन्हें सैडी सॉइल में लगा के सैडी प्लेस में रख देंगे तो ये कटिंग लग जाती है। इनमें बहुत ही सुंदर से ये इस तरीके से पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से मेरे प्लांट में तो अभी सीड बनना भी शुरू हो गए हैं, तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है लेकिन सीड से प्लांट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी इनकी ग्रोथ का टाइम है तो अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप 8 दिन पानी नहीं देंगे तो भी ये मरता नहीं है। फिर नेक्स्ट प्लांट है वंडरिंग जीव का। तो ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लगता है, बस आप इसकी इतनी सी बड़ी कटिंग भी ले लें, इनफैक्ट ये कटिंग किसी सॉइल पर गिर जाए तो भी ये ग्रो हो जाती, इतनी ज़्यादा आसानी से लगने वाला है। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरा प्लांट फुल सन में रखा हुआ है इसलिए ये बिल्कुल पर्पलीज हो गया है, वरना ये इस तरीके के ग्रीन कलर का होता है। तो आप इसे बालकनी में लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। फिर नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लगने वाला प्लांट है। ये मेरे सारे प्लांट है जो मैंने अपनी बास्केट्स को खाली करके बस ऐसे सॉइल के ऊपर रख दिया है। मुझे बास्केट्स की ज़रूरत थी तो मैंने सारे प्लांट को निकाल के बस ऐसे ही रख दिया है। और देखिए, इसमें मैं वाटरिंग भी नहीं करती हूँ लेकिन सारा प्लांट अभी तक चल रहा है। इसकी आप बस ऐसी छोटी सी कटिंग ले लें, इससे भी छोटी कटिंग ले लें तो ये देखिए इनमें इस तरीके से एरियल रूट होती है। तो छोटी सी कटिंग भी आप इनकी लगा देंगे तो ये लग जाते हैं। इनफैक्ट ये प्लांट भी ऐसा है जो सॉइल में गिर जाए तो भी ये ग्रो हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। समर सीजन इनकी ग्रोथ का पीरियड होता है तो इस समय ये हमारे बालकनी में ग्रीनरी ऐड कर देता है। तो इस प्लांट को भी आप अभी लगा लीजिए। और ये प्लांट मल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आप अपने पॉट में भी इन्हें लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मॉस रोज़ का। मॉस रोज़ समर सीजन से लेकर विंटर सीजन तक फ्लावरिंग करता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब इनमें फ्लावर आने बंद होते हैं और ये कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। इसकी आप 1/2 से 1 इंच की भी कटिंग ले लेते हैं तो भी ये प्लांट लग जाता है। ये इतनी बड़ी भी आप कटिंग ले लें तो ये लग जाएगा। तो मैं अपने मॉस रोज के प्लांट को ऐसे छोटे छोटे से पॉली बैग में इकट्ठा करके रखी थी तो अभी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये फिर हमें मार्च से लेकर नवंबर तक अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे और इनमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है पर्सलेन। पर्सलेन भी कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लगने वाला प्लांट है, इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं और थोड़ी सी केयर करें तो ये प्लांट तो साल भर ही फ्लावरिंग करते हैं। मेरे इस प्लांट में अभी 15 दिन पहले तक फ्लावर आ रहे थे, अभी भी इनमें बर्ड्स हैं। आप देखेंगे तो इनमें अभी भी बर्ड्स हैं। अब जब ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ गई, ओस गिरने लगी, तब इनमें फ्लावर आने बंद हुए हैं। तो ये भी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, तो इन्हें भी आप अभी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप इनकी लीव्स को देखिए, कितनी ज़्यादा फ्लैसी साइनी है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो मेरा जो इसका मदर प्लांट है वो नीचे बालकनी में रखा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो उसकी एक जो डाल है वो टूट गई थी, तो मैंने इसे देखिए यहाँ पे बस ऐसे ही ये पूरी डाल को इस तरीके से राउंड में यहाँ पे डाल दिया और अब ये कितनी अच्छे से ग्रो होने लगी है और जो इनमें न्यू ग्रोथ आ रही है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी और साइनी है। तो ये भी कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। इसका बस इतना छोटा सा भी पीस ले लेंगे ना या सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये लग जाती है, और समर सीजन में तो ये बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, ये प्लांट भी मल्चिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये इसका मदर प्लांट है जो मेरे बालकनी में रखा है। इस प्लांट को मैंने 1 मंथ से वाटरिंग नहीं की है, तो भी ये देखिए ये प्लांट चल रहा है। बस इनकी जो लीव्स हैं वो येलो हो गई है, अभी शाम का समय है तो ये क्लियरली नहीं आ पा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा लंबा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अभी मैंने जितने भी प्लांट शेयर किए हैं इन्हें आप 8-10 दिन पानी नहीं देते हैं तो भी ये प्लांट नहीं मरते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर लगाइए। अब नेक्स्ट प्लांट है डैंथस का। तो डैंथस सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन आपने अभी इनके सीड नहीं लगाए हैं तो इन्हें कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो इनकी आप बस इतनी बड़ी 3-4 इंच की कटिंग ले लें और जो न्यू ग्रोथ होती है उन्हें लें, तो ये कटिंग से भी लग जाता है। और फ्रेंड्स देखिए आज मेरा पप्पी का फर्स्ट फ्लावर खिला है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का समय है तो इसके फ्लावर बंद होने लगे हैं, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। नेक्स्ट प्लांट है डेफनबेकिया। डेफनबेकिया भी कटिंग से बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, इसकी मैंने छोटी सी कटिंग देखिए बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी। यानी आप ऐसी कटिंग ले लें जिसमें लगभग 2 नोड एरिया हो तो भी ये लग जाता है, और इसे भी बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डेफनबेकिया की दूसरी वैरायटी है जो डॉर्फ वाली वैरायटी है, तो ये भी मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी तो ये कटिंग भी लग गई है और ये प्लांट ग्रोथ लेने लगा है। इनके अलावा रोजेस की भी कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो अगर आप अपने रोजेस की प्रूनिंग कर रहे हैं या आपको कहीं से रोजेस की कटिंग मिल जाए तो आप इन्हें लगा सकते हैं। और रोज़ की जो ये वाली वैरायटी है इसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं, इसकी कटिंग बहुत मुश्किल से लगती है लेकिन लग जाती है। ये जो मेरा प्लांट है ये कटिंग से ग्रोन प्लांट ही है, तो इस समय आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो ये लग जाती है, तो इसकी बहुत बड़ी कटिंग नहीं लेनी होती है। बस आप इसकी ये छोटी सी कटिंग ले लें, यानी 3 इंच के समथिंग कटिंग ले लेते हैं और सैंडी सॉइल में लगा देते हैं, तो ये कटिंग लग जाएंगी और ये सारा समर फ्लावरिंग करता है। इसके अलावा आप एक्जोरा की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, तो आप इसकी 5-6 इंच की कटिंग ले लें, सेमी हार्डवुड कटिंग ले लें और लगा देंगे तो ये भी कटिंग से लग जाता है। और एक्जोरा वैसे साल भर ही फ्लावरिंग करता है, देखिए इनकी ग्रोथ का टाइम है तो अब इनमें ये न्यू जो है सूट्स आने लगी है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स आप अभी कटिंग से लगा के फ्री में ढेरों सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।